आज ये वीडियो लेक्चर में हम भूगोल के ऑल चैप्टर्स के ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लौह ऐसा किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। और यदि ये पूछ ले ये किस प्रकार का उद्योग है, तो ये होता है आधारभूत उद्योग, क्योंकि इसके कच्चे माल पर और इसके तैयार माल पर अन्य उद्योग आश्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 3, किसी एक राज्य का नाम बताओ जहां सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी मिट्टी काजू की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ व कब हुआ? रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील में है, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्र वन नीति को कब लागू किया गया? 1952। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वनों के अंतर्गत क्षेत्र कितना होना चाहिए? 33%। कितना है? 23.3%। क्वेश्चन नंबर 11, निक्षालन प्रक्रिया से कौन सी मृदा बनती है? लेटराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कितनी शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं? 3, रबी, खरीफ, जायद या फिर आप जायद। क्वेश्चन नंबर 13, रोपण कृषि से क्या अभिप्राय है? इसमें कई बच्चे जो ना पढ़ते हैं वो ऐसे लिखाते हैं, जो कृषि रोप कर की जाए उसे रोपण कृषि कहते हैं, तो आप ये याद रखना, जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है उसे रोपण कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो फलीदार फसलों के नाम बताओ, चना, सरसों। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य। क्वेश्चन नंबर 16, जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम उद्योग। कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? सेल, फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 21, जूट के अन्य नाम पटसन, गोल्डन फाइबर, इसे ब्राउन पेपर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, यूपी में किस स्थान पर डीजल रेलवे इंजन बनाए जाते हैं? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 23, परिवहन के साधन कौन से हैं? स्थल, जल, वायु। क्वेश्चन नंबर 24, स्वर्णिम चतुर्भुज का प्रथम गलियारा जो कि उत्तर से दक्षिण है, का उत्तरी छोर कौन सा है? श्रीनगर, और दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 25, इसी का पूर्वी पश्चिमी गलियारा का पूर्वी छोर सिलचर और पश्चिमी छोर पोरबंदर। जो ये सिलचर है ये असम में है, पोरबंदर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 26, परिवहन का कौन सा साधन वाहन अंतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन, क्योंकि इसे किसी ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 27, वह पतन जो अंतस्थलीय अधिकतम गहराई और पूर्ण सुरक्षित है? विशाखापट्टनम। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है और अब किसका महत्व तो बढ़ रहा है? सड़कों का। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को और किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह सूरी राजमार्ग या फिर शेरशाह सूरी मार्ग। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिणी रेलवे खंड का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 31, एक नदी पतन का नाम बताओ? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 32, एक ज्वारीय पतन का नाम बताओ? कांडला, दीनदयाल। कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, कांडला है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 34, PAIS की फुल फॉर्म? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। क्वेश्चन नंबर 35, जायद ऋतु की दो फसलों के नाम बताइए? तरबूज, खरबूज, खीरा। फोन खराब हो जाएगा? नहीं, अभी आने वाले हैं थोड़े दिनों में। क्वेश्चन नंबर 36,
खरीफ ऋतु की दो फसलों के नाम बताओ। कपास, बाजरा, चावल। एक एक्स्ट्रा लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि एक गलत हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 37, रबी ऋतु की दो फसलों के नाम बताओ। गेहूँ, सरसों, चना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो होगी मैप्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।